नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क पर दोपहर बुलेटिन। दोपहर बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं इस खास खबर से। नोखा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय पर वीडियो देवेंद्र कुमार पासवान की अध्यक्षता में नोखा कृषि पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह को 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने पर प्रखंड मुख्यालय पर बुधवार को भव्य रूप से विदाई समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपस्थित हथिनी पंचायत के मुखिया दयानंद सिंह, सिसिरता पंचायत के मुखिया चित्रंजन तिवारी, पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार सिन्हा, सभी ब्लॉक के कर्मी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हथिनी पंचायत के मुखिया दयानंद सिंह ने कहा कि निष्ठा पूर्वक से इन्होंने अपना कर्तव्य को निभाने का काम किया। इस मौके पर मुखिया चित्रंजन तिवारी ने कहा कि ईमानदार छवि के अफसर थे। प्रखंड के प्रधान सहायक, प्रखंड के नागरिक बाबू, सभी कार्यपालक सहायक, बाल विकास उन्नत अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन उनके बड़ा बाबू और अन्य कर्मी, सभी को धन्यवाद। कामना करता मैं नोखा की विदाई समारोह आयोजन हुआ, जिसमें हमारे सभी बड़े भाई दयानंद सिंह सिया, हमारे पत्रकार बंधु, सभी लोग की उपस्थिति रही, जिसमें मुखिया संघ के तरफ से हमारे दयानंद सिंह जी अध्यक्षता किए और कार्यक्रम अच्छा रहा। हमारे बीओ साहब नोखा प्रखंड में लगभग 4 सालों में इनको घर के बच्चे बच्चे तक जानते हैं, इनको कोई भी दुर्भावना से ग्रसित बात नहीं कर सकते हैं। प्यार से, इतने कष्ट में भी लोग आते थे, इतना प्यार से बोलते थे कि उनका कष्ट पहले दूर हो जाता था, और अच्छे तरह से अपने कार्य को निष्ठा से, ईमानदारी से निभाए, जिसमें कहीं भी त्रुटि ना मात्र की नहीं है। और हम लोग इनके दीर्घायु के लिए कामना करते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि अगले समय में भी ऐसे ही हमारे प्रखंड किसी पदाधिकारी को मिले जो अच्छा कार्य नोखा प्रखंड के लिए अच्छा रहे। इसी के साथ मैं मुखिया संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूं और उन्हें अच्छे कामना के लिए आशीर्वाद देता हूं। नोखा प्रखंड मुख्यालय कार्यालय पर कृषि पदाधिकारी का विदाई समारोह में आप उपस्थित हैं, हथरी पंचायत के मुखिया हैं, क्या कहिएगा? बीओ साहब विदाई समारोह में उपस्थित थे, अध्यक्षता हमारे बीओ साहब ने किया। बीओ साहब का कार्यशैली बहुत बढ़िया रहा, सभी लोगों ने अच्छा सराहना किया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि बीओ साहब आयु लंबी हो और अच्छी रहे, अच्छी तरह से रहे, जहाँ भी रहे अच्छा से। रूम में हम लोग अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी का विदाई कर रहे हैं, और इस विदाई समारोह में हमारे बीच बीआरओ साहब, डीसी साहब, हथनी के मुखिया जी, सिसिरता के मुखिया जी और हमारे पत्रकार बंधु तथा हमारे प्रखंड हमारे अधीनस्थ कर्मी एवं दूसरे प्रतिनिधि टीचरगण, पंचायत प्रतिनिधि के और लोग भी हैं, स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बीओ साहब के विदाई समारोह में उपस्थित। अभी आपने बड़ाओं का कि शाश्वत सत्य है कि जब आदमी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी तिथि मालूम नहीं, उसी तरह से जब नौकरी में आता है तो उसकी सेवानिवृत्ति है, उसकी निश्चितता है कि मतलब 60 साल के बाद उसे सेवानिवृत्त होना है, और यह प्रशासनिक व्यवस्था के तहत होता है, इसको न हम आगे बढ़ा सकते हैं न कि उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो जो चाहते हैं उसके लिए भी होता है संविधान पर, तो इच्छा पर होती है। तो हमारे बीओ साहब, हम भी मात्र 6 महीना ही से इनको जानते हैं,
और बीच में इन्हें जानने का भी मौका मिला जब हम लोग अभी जैसे विजया सर ने कहा कि इलेक्शन में, तो इलेक्शन में भी हमने इनके कार्यक्षमता को पहचानने का मौका मिला। इन्हें हम लोग ने दो तीन काम दिया जो बारकोडी से निभा, बैलेट पेपर की छपाई हो उसमें उन्होंने बढ़िया से किया। बाद में थोड़ा सा हम लोग भी क्रॉस दिए तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक आदमी करता तो थोड़ा सा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।